नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुबह मॉर्निंग के वर्कआउट्स बताऊंगा और ये सभी वर्कआउट्स आप लोग अगर करते हैं तो आप लोगों की बॉडी हेल्दी रहेगी, फिट रहेगी। सबसे पहला जो वर्कआउट है जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है प्लैंक अप एंड डाउन फॉर 40 सेकेंड्स। आप लोगों को करना है, कैसे करना है आप लोग देख सकते हैं। टाइमिंग जो है आप लोगों के राइट टॉप कॉर्नर पर चली हुई है। इसमें आप लोगों को अप एंड डाउन प्लैंक करना है। इससे आप लोगों की बॉडी फिट रहेगी, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज रहेगी। और इसके लिए आप लोग जो हैं, जब आप लोग अपने बाजुओं पर अपना पूरा वेट रखते हैं तो आप लोगों की जो बाइसेप्स हैं वो भी मसल्स जो हैं वो इससे अच्छी रहती हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बाइसेप्स में कोई प्रॉब्लम है यानी कि पेन हो रहा है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे कि इसका पूरा वेट जो है आप लोगों के पंजों पर है और आप लोगों की बाइसेप्स पर है तो इससे आप लोग जो है एक रेजिस्टेंस वर्कआउट भी कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए स्टेमिना भी इंक्रीज आप लोग कर लेते हैं। हर एक वर्कआउट के बाद में मैंने दिया है 10 सेकेंड्स का रेस्ट, उसके बाद में आप लोग दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। दूसरी एक्सरसाइज जो है आप लोगों की है अप एंड डाउन प्लैंक नहीं है, अप एंड डाउन है, मतलब लेटना है और खड़े रहना है, मतलब बैठना है आप लोग कह सकते हैं। तो अपने हाथ जो हैं जब आप लोग लेटें तो अपनी गर्दन के जस्ट पीछे की ओर जाएं और जब आप लोग ऊपर की ओर आएं तब आप लोग जो हैं अपने हाथों को ऊपर की ओर, अपने सर से ऊपर की ओर लेकर चले जाएँ। तो इससे आप लोग क्या रहेंगे, आप लोगों की जो बैली फैट है वो बहुत जल्दी कम होने लग जाएगा। और इसको भी आप लोग 40 सेकेंड्स के लिए करें। 40 सेकंड्स के लिए जब आप लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप लोग अपनी बैली फैट को बहुत जल्दी रिड्यूस कर लेंगे। और ये वर्कआउट जो है बेसिकली आप लोगों की बैली से रिलेटेड है। आप लोग अपनी बैली को, अपने कोर मसल्स जो है उसको एंगेज रख सकते हैं इससे। और जब आप लोग उठते हैं तो एक आप लोग कह सकते हैं कि क्रंच एक्सरसाइज हो जाती है आप लोगों की, या हम लोग कह सकते हैं कि सिटअप एक्सरसाइज हो जाती है जिससे आप लोग अपर बैली को बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। अब लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट और उसके बाद में हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट वर्कआउट की ओर जिसका नाम आप लोग कह सकते हैं ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर को आप लोगों को सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए करना है। और अभी तक 40 सेकंड्स की एक्सरसाइज थी लेकिन ये थोड़ी टफ है, इसीलिए आप लोगों को इसमें 30 सेकंड्स ही जो है आप लोगों को एक्सरसाइज करनी है। 30 सेकंड्स भी आप लोग अगर ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो बेसिकली आप लोग जो है कमर की जो साइड की चर्बी है उसे आप लोग रिड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग फिट रहें, हेल्दी रहें। खासकर जो लोग अपने कपड़ों से परेशान रहते हैं, टी शर्ट्स के अंदर जो है बेसिकली जो पेट है वो दिखने लगता है, या आप लोग कहें कि महिलाओं का पेट जो है लटकने लग जाता है, तो उससे आप लोग जो है ट्विस्टेड पेयर्स करने से बहुत जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। अब आप लोगों को फिर से लेना है 10 सेकंड का रेस्ट और उसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। उस नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है फिर से आप लोगों को कितने सेकंड के लिए प्लैंक अप एंड डाउन वर्कआउट करना है 40 सेकंड्स के लिए। प्लैंक अप एंड डाउन वर्कआउट्स मैंने इसीलिए दो बार डाला है, कुछ एक्सरसाइज है जिसको मैंने दो बार डाला है। उसको ऐसा करने से आप लोगों का क्या होगा कि आप लोगों का बेस मजबूत होगा, ठीक है। ऐसा करने से देखिए आप लोगों की जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो ज़्यादा ताकतवर होंगे। और कहते हैं कि अगर आप लोगों के हाथ मजबूत होने लगते हैं तो आप लोग जो अपनी कोर मसल्स को भी जल्दी से जल्दी रिड्यूस कर सकते हैं। और इसका जो बेसिकली जो टारगेट रहेगा वो प्लैंक एक्सरसाइज है, तो आप लोगों की जो कोर मसल्स हैं वो भी इससे एंगेज रहती है। तो अपना जो पेट है वो भी आप लोग इससे कम कर सकते हैं और इवन आप लोग अपनी बाइसेप्स को का फैट भी आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि जांघों का फैट रिड्यूस हो रहा है, बाइसेप्स का फैट रिड्यूस हो रहा है और आप लोगों की जो बैली फैट है वो भी इससे रिड्यूस हो रहा है। तो इसके तीन मसल्स जो हैं आप लोग टारगेट में ले सकते हैं। तो अब लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट होने के बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की ओर। और ये नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों की बैली से रिलेटेड है, इन एंड आउट वर्कआउट फॉर 40 सेकंड्स। इन एंड आउट वर्कआउट्स को आप लोग कैसे करें, इस प्रकार आप लोगों को इन एंड आउट वर्कआउट करना है। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के पीछे रखना है या आप लोग साइड में भी रख सकते हैं। और उसके बाद में जब अपने दोनों पैरों को अपनी चेस्ट की ओर लाना है और जब आप लोगों को अपने पैर जो है वो चेस्ट से दूर की ओर जाएं तो आप लोग थोड़ा सा पीछे की ओर झुक जाएं। तो ये एक्सरसाइज जो है इस प्रकार कंप्लीट होती है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को एक स्टेमिना चाहिए, एक पावर चाहिए। और जब ये पावर जो है आप लोग पूरा इस एक्सरसाइज में लगाते हैं तो आप लोग अपने बैली को बहुत जल्दी रिड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे। ये वर्कआउट मैं ये कहूँगा कि आप लोग सुबह उठकर ज़रूर करें और टाइमिंग का ध्यान रखते हुए अगर आप लोग कर लेते हैं 40 सेकंड्स ये वर्कआउट तो आप लोगों को बहुत जल्दी आराम भी मिल जाएगा अपनी बैली को छुटकारा दिलाने में।
तो मैं कहता हूँ कि ये वर्कआउट्स आप लोग जरूर करें। ये वर्कआउट्स मैंने आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं और आप लोग इसे करेंगे तो आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा। 10 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट अप एंड डाउन। नेक्स्ट वर्कआउट है अप एंड डाउन फॉर 40 सेकंड्स। अप एंड डाउन को आप लोगों को सिंपल ऐसे ही करना है जैसे कि आप लोग हमेशा करते आए हैं। जस्ट आप लोगों को सिटअप्स की तरह ऊपर उठना है और दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर जाना है। पीछे की ओर लेकर जाएंगे तो जो बैली है वो ज़्यादा एंगेज रहेगी और चेस्ट आगे की ओर निकल कर आएगा, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा। अपनी बैली रिड्यूस करने में बहुत जल्दी आप लोग इससे रिड्यूस कर सकते हैं। इस प्रकार भी आप लोग इसको कर सकते हैं। और जब आप लोग ऊपर की ओर उठते हैं तो आप लोगों को एक पावर चाहिए होता है, तो वो पावर भी आप लोग जो है इससे इंक्रीज़ कर सकते हैं और बैली फैट को रिड्यूस करने में ये एक्सरसाइज आप लोगों की बहुत अधिक मदद करेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। लाइक करना ना भूलें।